प्रीशा और रुद्राक्ष, हम तो यहाँ पर कर रहे हैं सैटरडे वाली पार्टी। क्यों ना आप दोनों भी बना लें एक अच्छा सा सैटरडे वाला प्लान, जैसे कि एक मूवी डेट। कैसा लगा मेरा ये आइडिया? फिलहाल क्या कुछ हो रहा है इन दोनों की जिंदगी में, लेकर चलते हैं आपको सीधा ये है चाहते के सेट पर। रुद्राक्ष को लगी हथकड़ी, प्रीशा का इल्जाम, रूही की कोशिश। स्टार प्लस के सीरियल ये है चाहते में रुद्राक्ष घर आ गई है पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि प्रीशा ने लगाया है रुद्राक्ष पर इल्जाम कि वो प्रीशा का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रुद्राक्ष चीख चीख कर सबसे एक ही बात कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसके और प्रीशा के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे अरमान का ही हाथ है। सुबह मैं तुम्हारे रूम में, कैसे खुद चल के आई? नहीं, खुद आई होती तो मुझे याद रहता। तुम्हें कुछ किया होगा, तुम ही लेकर आए, इसीलिए मैंने प्रीशा अरमान ठाकुर ने कंप्लेन कर दी। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे, अरेस्ट कीजिए और जेल में डाल दीजिए। प्रीशा ने आकर रुद्राक्ष को रोक तो लिया, और पुलिस भी रुद्राक्ष की एक नहीं सुन रही, उन्होंने तो रुद्राक्ष के हाथों में लगा दी हथकड़ी। इससे पहले कि पुलिस रुद्राक्ष को पकड़कर जेल ले जाती, वहां सही समय पर आ गई रुद्राक्ष की ब्लड रिपोर्ट। असल में रुद्राक्ष को शक था कि किसी ने उसकी ड्रिंक में मिलावट की है, यही जानने के लिए उसने अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया। वो तो शुक्र है कि उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सही समय पर आ गई, वरना आज तो रुद्राक्ष को जेल जाना ही पड़ता। इंस्पेक्टर ये देखिए, ये मेरी ब्लड रिपोर्ट, इस पर साफ लिखा है कि मेरे ब्लड में ड्रग्स थे जो मुझे कॉफी में मिलाकर दिए गए थे। मुझे पहले से ही शक था कि कोई मेरे साथ बहुत बड़ा बेवकूफ खेल खेल रहा है, इसीलिए मैंने लैब टेक्नीशियन को पहले ही बुलाया था अपना टेस्ट करवाने के लिए। खैर, पुलिस को तो रुद्राक्ष पर यकीन हो गया, और कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट देखकर प्रीशा भी हैरान है। पुलिस तो चली गई और अरमान ने भी प्रीशा को रुद्राक्ष के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, लेकिन रूही ने आकर प्रीशा का हाथ अपने दिल पर रख दिया और उसे ममता का एहसास दिला दिया। अब देखना होगा कि क्या रुद्राक्ष, रूही और सारांश मिलकर प्रीशा के सामने अरमान का खुलासा कर पाएंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।